नमस्कार, सरकारी नौकरी login.com आपको फिर से एक और वीडियो में स्वागत करती है। RSMSSB राजस्थान NTT टीचर की वैकेंसी को लेके हम आपको इस वीडियो के तौर पे उसकी सारी जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अप्लाई करने से पहले आप पहले फुल नोटिफिकेशंस को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। आगे बढ़ते हुए इम्पोर्टेंट डिटेल्स के तरफ, इम्पोर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं 29 सितंबर स्टार्टिंग डेट और 28 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी कि आप 28 अक्टूबर तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप जनरल OBC के CL हुए तो 450, OBC NCL हुए तो 350, SC और ST हुए तो 250, और आपका एग्जामिनेशन फ़ीस यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस आप डिमांड ड्राफ्ट पे नहीं कर सकते, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ई मित्र सेंटर या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग नहीं तो KIOSK के फी मोड में कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 12th पास, 2 साल की NTT कोर्स, कोई भी जानी मानी बोर्ड ऑफ इंडिया से, और आपकी एज लिमिट होगी 18 से 40 साल, एज काउंट 1 जनवरी 2019 के हिसाब से, और आपकी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होने वाली है। वैकेंसी जो कि टोटल पोस्ट खाली है वो है 1310, पोस्ट नेम है NTT टीचर और पे स्केल है पे मैट्रिक्स लेवल 5, यानी कि उनको जो वे में पे किया जाता है आपकी भी पे स्केल उतनी ही होगी। फुल एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमने इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको दे रखी है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंक्लूडेड है। जैसे कि हम आपको बोले हैं 1310 पोस्ट के लिए 28 अक्टूबर तक उनकी अप्लाई ऑनलाइन की फॉर्म खुली हुई है, आप वहाँ पे अपनी फॉर्म को जमा करवा सकते हैं यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ सबमिट करें 28 अक्टूबर से पहले, तभी आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम पर निर्भर करता है और आपकी एरिया और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की टेबल हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। नॉन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया और सहारिया में जनरल OBC SC ST की जितनी भी सारी डिविजन्स है वो उसमें एक एक में कितना पोस्ट खाली है और टोटल कितना खाली है वो हम अभी आपको दिखाते हैं, जो कि ट्राइबल में टोटल है 996, ट्राइबल में 310 और सहारिया में 4। RSMSSB राजस्थान NTT एडमिट कार्ड वो आपको एक वीक पहले मिल जाएगी, जो कि रिटर्न टेस्ट की एक वीक पहले, और आप उसकी जानकारी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल सकती है आपको, यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले हैं, तो आप उस पर नज़र या फिर चेक करते रहिएगा। तो ये थी आज की वीडियो और उसकी सारी सूचनाएं, RSMSSB राजस्थान NTT टीचर्स की सारी रिक्रूटमेंट की खबर। आशा करते हैं ये आपके लिए काफ़ी मददगार रही। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।